सिनेरियो नहीं। यहाँ पे देखिए मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में हूँ तो श्रिया है डोसा, आप खाओ, आप खाओ ना डोसा। कब तक देगा और एक? अच्छा खट्टा हो गया क्या? नहीं नहीं क्या चिनू खा, चिनू चिनू इधर देखो चिनू, अच्छा है क्या? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेल्फ चेकिंग करने के बाद हम जो जगह पहुंचे डोमेस्टिक लगेज काउंटर में, एक बार लगेज को हम यहीं पर डाल देंगे तो हमारे आधा काम फिनिश हो जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे को ना बहुत नींद आ रहा था तो ट्रॉली पर ही सो गया है, तो जो छोटा छोटा सूटकेस हमारे पास में वो तो हैंड बैग में रहेंगी, तो बाकी जो तीन लगेज हमारे पास है वो तीनों की हमको यहीं पर दे देना है, उसके बाद हमारा पूरा काम फिनिश, उसके बाद हम निकलेंगे अंदर की तरफ में। अभी हम लोग विशाखापट्टनम के लिए फ्लाइट के लिए हम लोग चेक इन कर ले रहे, टाइम हो रहा कितना 10:30 हो रहा, हम लोग सेल्फ चेक इन कर दिए थे, यहाँ पर काम खत्म करने से क्या ना लगेज डाल देंगे उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में हूँ तो यहाँ पे जो लोग हैं मुझे पूछ रहे थे कि आप ब्लॉग बनाते हो क्या, तो देखिए आपका नाम क्या है? सो हर नेम इज सुनीता। सो वहाँ पे जो है चेक इन करें, आपका नाम क्या है? श्रिया। सो वेरी नाइस। तो अभी हम लोग एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम चेक इन कर देंगे उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाना है कुछ करना है, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके ऑलरेडी आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, उन्होंने बोले कि नहीं अभी सेल्फ चेक इन कर लेते, सेल्फ चेक इन करने के बाद क्या होता है ना, हम लोग फ्री होने के बाद जब इतना सारा लगेज को लेकर, फिर मेरे बेबी को आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सो गया है, उसको नींद आ रहा है, कल हम दिन 3 बजे को निकले हैं, मतलब बैक टू बैक हो जा रही ना फ्लाइट, तो इसके लिए थक गए हम लोग पूरा, तो इसलिए सोचे पूरा सामान रखने के बाद शांति से घूमेंगे, थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे, डोसा खाए थोड़ा हैप्पी हो गया, एंड 1 साल के बाद मसाला डोसा खाए, उस लोग एक बार इमेजिन कितना खुशी लग रही है, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे सो गए करके पहले बुला के हमको चेक इन करवा दिए। अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के बाद हम लोग को जाना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक पोस्ट में, सिक्योरिटी चेक पोस्ट में अपने पास जो मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप है, चार्जर है, जो भी है आपको उसके अंदर में सिक्योरिटी चेक के थ्रू देना पड़ेगा, उसके बाद इस ये एक हो जाएगी, उसके बाद आप पूरा हो जाते हो फ्री। अभी सिक्योरिटी चेक में जैसे कि मेरे पास 2-3 मोबाइल था, तो हमने उसके अंदर जाने के बाद सब कुछ निकाल कर अलग अलग करके रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना मोबाइल अलाउ नहीं होता सिक्योरिटी के पास चेकिंग करने के लिए, इसलिए हमने शूट नहीं कर पा रहे थे। बिस्तरा एक बाकी सब एयर इंडिया का ही है ये, इसे क्यों टर्मिनल 3 इसका ये एयर इंडिया का ज्यादा। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छे से व्यू दिखाती हूँ, जब हम 2 साल पहले गए थे उज्बेकिस्तान एयरपोर्ट में बैठे थे तो अभी भी सेम था, वहाँ पे मतलब गेट के पास क्या है ना, उस दिन हमारा 6 घंटा फ्लाइट डिले हो गई थी, तब हम जहाँ में बैठे थे सेम वहाँ पे उज्बेक एयरलाइंस का 4-5 फ्लाइट पीछे था, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, सेम आपको नज़रिया देखने के लिए मिलेगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपको जैसे मिलेगी वहाँ पे देखिए, हमें पूरा एयर इंडिया का ही फ्लाइट है, इतना लाइटिंग आ रहा है ना, आपको इस तरफ दिखाती हूँ, लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर देखिए मेरे बेटे को अपने काम में बिजी है, कुछ ना कुछ बोलते रहा है बोलते रहा है। हाँ फ्लाइट के पास जाएंगे हम, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकर आ जाओ हमारा सामान लेकर आ जाओ, इतना थक गया ना है, बहुत नींद लग रहा है, बस 2:20 को फ्लाइट है, 5:30 को पहुँचेगा, बहुत नींद लग रहा है, बस यहीं भी बैठ के फ्लाइट को देखना है और क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत आलस आ रही है, पता नहीं इतना थका नागरिक कल 3:30 से निकले है इस तरह से, एंड मानना पड़ेगा मेरी बेटा को अभी भी स्ट्रांग है, रात भर हॉस्टल में सो लिया, उनको पूरा परेशान किया, उनको सोने ही नहीं दिया, उनकी गोदी में सोया ना ना पकड़ो चिनू, नहीं ग्लास के पास नहीं जाना। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा अंदर बैठेंगे, कहाँ पे अच्छा प्लेस ढूंढ रहे, थोड़ा सो के रेस्ट करेंगे 1-2 घंटा, तो फिर 1:30 को हम लोग अंदर चले जाएंगे, क्योंकि 2:20 को फ्लाइट है, तो मेरे बेटा उस टाइम बोला था कि मुझे कोला पीना है, तो इन्होंने बोला था स्प्राइट पीना है, तो यहीं से मैं फ़ोन पे में स्कैन करके उनके लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि
मेरी बेटा पानी इतना पिया पिया बॉटल पी के ऐसा कचरा कर दिया। उसके बाद बोलता है मम्मी मुझे और पानी नहीं, मुझे अभी कोला चाहिए कोला। कोला लाने के बाद बोलता है मुझे कोला नहीं चाहिए, मुझे फंटा चाहिए फंटा। इस तरह सा कर रहा था, तो हम यहीं पर इसलिए निकाल रहे हैं इसको पीने के लिए। जो पीने के बाद यहीं पर थोड़ा सा टाइम मिलेगी ना, उसको स्टोरी बोलते बोलते इन्होंने बोल रहे कि एक बार कोला पी लेगा तो उसे स्टोरी बोलेंगे तो सो जाएगा, थोड़ा उसको भी रेस्ट हो जाएगी। क्योंकि पूरा हमारे साथ ही घूम रहा है, जितना देर फ्लाइट है उतना देर ही सोता है, उसके बाद उड़ जाता है। नाना आपका फोन गिरने के चांसेस में है। सब दोस्त है अभी यहाँ पर हो गई हमारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट। सो हम लोग निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो चार्जिंग मेरे मोबाइल में बहुत कम था, तो फिर मैं किसी से मांग के लगे चार्जिंग थोड़ा बहुत कर ली हूँ, क्योंकि जो मोबाइल में मुझे बात करनी है और जो मोबाइल शूट करती हूँ दोनों मोबाइल मेरे अलग अलग है। तो अभी अंदर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, मतलब इट्स टाइम टू फ्लाई। यहाँ पर देखिए लगेज रख के मेरी बेटे को मैंने बोली थोड़ा सा तुम्हारा फोटो खींचो क्या, बोलते नहीं नहीं मेरा मतलब फोटो मत खींचो मुझे नींद आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर के लिए। ज़्यादा ज़्यादा देखो आगे 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 हम भी आगे हम भी आगे हम भी आगे। देखिए ये लोग पहले चले गए। चिन्नू क्या हुआ, केक खाना केक मॉपिंग से
आप लोगों को दिखाती हूँ कि एयर इंडिया में हम लोग को खाने के लिए क्या मिली थी। हम लोग एक्चुअली एक नॉन वेज लिए थे, दो वेज लिए थे। तो नॉन वेज में हमको जो चिकन टिक्का दिया था बहुत ही सुपर टेस्ट था, उसके साथ में स्वीट कॉर्न दिया था एंड ब्रेड एंड पाव भाजी, जैसे कि पाव को बहुत अच्छे से दिया था। वेज वाला में ओनली पाव दिया था एंड चॉकलेट्स वाटर एंड बहुत ही अच्छे से दिया, आप देख सकते हो। एंड वेज में पास्ता है एंड कॉफ़ी टी आप जो अपने मर्जी से ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया है एयर इंडिया का खाना। चिनो चलो 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 थोड़ा डायरेक्ट अंदर आ गए क्या हम लोग। अच्छा है नहीं, परेशान होना नहीं पूरा। फाइनली विशाखापट्टनम पहुंच गए हम लोग शांति। अब यहाँ से फिर विजयनगर वेरी हेक्टिक, नाउ गेट रिलैक्स। वाह मेरे बेटा बहुत थक गया, बहुत परेशान कर रहा है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है सिर्फ भाग रहा है। आज तो बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा हुआ। देखो कैसा एंजॉय कर रहा है चिन्नू, अकेले अकेले चल रहा चल रहा चल रहा। नाना एक बार देखो ना चिनू, चलो चिनू चलो चिनू चिनू टाटा कर दो चिनू, चलो बोल दो आपको। नहीं नहीं आप इधर देख के बोल दो इंडिया आगे करके, इधर देखो इधर देखो बोलो आप इंडिया आगे। बाय बाय। हाँ आई एम सॉरी। ओके You can see this is a video of Vishakhapatnam. कितना सुंदर स्टैचू है ना। चलो आगे जाएंगे देखेंगे। तीन नंबर बेल्ट में आ रहा है, तीन नंबर बेल्ट है ना। ओके चिनू लगेज लेके आ जाइयो आप। चिनू नाउ टाइम फॉर टू कलेक्ट द लगेज एंड फिनिश फाइनली। यहाँ पर हम हमारा लगेज कलेक्ट करेंगे एंड ऑलरेडी मैंने ओला में कैब बुक कर दी हूँ विजयनगरम के लिए। तो टू 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 एंड हाफ आवर्स लगा रहा क्योंकि इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा उसके लिए। ये था आज का इस ब्लॉग डेली टू विशाखापट्टनम। कैसा लगा आप लोग का एंड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए एंड इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।